रहे, पत्ता रहे, फल रहे, सब्जी रहे, कोयला रहे, अभ्रक रहे, लोहा रहे, यानी इस देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। आज अगर देश और राज को चलाने वाले लोग, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज को चलाया, अगर गांधी के उस कथन को अमल करते कि रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। आपको क्या लगता है, यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट, क्योंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गोडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर है, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं, क्योंकि गांधी का सपना था जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि आज प्रदेश कहता है, दिल्ली भी कहती है, माया नगरी भी कहती है, और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड, आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास नहीं करते। 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज वापसी की गुहार लगाई थी, और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1,78,000 महाराष्ट्र से। इसलिए आज मेरे जितने भी प्रवासी अभिभावक भाई बंधु बन आए हैं, मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ, आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि आपकी दर्द को हमने सुना था, आज देख रहा हूँ, आज अनुभव कर रहा हूँ, सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है, आपने उसे साफ करना है। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं बहने, मेरे अभिभावक, मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें, सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा, आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, एक बात याद रखिया, मिल के रहिया, मिल के रहा तब हमने कुछ कह सकते। विनोद बाबू भी हटे काला लाए कि पढ़ो और लड़ो, विनोद बाबू भी हमेशा कह ले पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज हमने अगर विचारधारा के कभी समझा नहीं, पढ़ो के मतलब तो समझ गए कि किताब पोथी पढ़ना है, इतिहास भूगोल विज्ञान के जानकारी लेना है, लेकिन जब लड़े के बारे में लेना तो बकनिया बकनिया से लड़ लो, भेवा भेवा से लड़ लो। तो इस लड़ाई के बाद विनोद बाबू नहीं करना है, लड़ाई करना हले अपन अधिकार के खातिर, लड़ाई करना हले अपन हक के खातिर, तो शेख अब्दुल्ला जितना भी, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आए हफ्ते और साथ बहुत सारा महाराष्ट्र के नगर के चुनाव पदाधिकारी हथीन, जनप्रतिनिधि हथीन, अपने से हम आग्रह करवाए, क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। माया का मतलब होता है छल प्रपंच,
तो झारखंड के लोग बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, इसीलिए मायानगरी से और मायानगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार है, क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। और मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित है अतिथि के रूप में, मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा, झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं, हमारे यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं, जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आज के लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा, वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है, हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है, क्योंकि झारखंड के लोग हैं हम लोग सरल स्वभाव के, इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, जितने भी लोग संबंध रखते हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं, ये आपसे दया आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा सी भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है, अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि मायानगरी को आर्थिक राजधानी होने का अभिमान है, तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं, यदि मायानगरी को आर्थिक राजधानी होने का अभिमान है, तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं, इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता सहजता सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो, हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं, यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है, बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है, इसलिए आज ये महाराष्ट्र से लोग सीखने आए हैं, क्योंकि एक दिन कुछ दिन पहले माफ कीजिएगा कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब डू यू नो मराठी, ये आपने भी पढ़ा होगा, ये मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, हमें ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ पे चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है, लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, एक भर्तीधारी देखे दुर्गा इसलिए इस मिट्टी से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विधि व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है, हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है, धनबाद में अगर कोयला है तो कोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेस्ट कीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर है,
तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मिथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट यदि हमारा सरकार चाहता है, जन दिन हमने सरकार में चाहते है ना, हमारा पूजा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान के लिए। आंकड़ों के मुताबिक रांची में लगभग 13,000, धनबाद में 8,000, बोकारो सिंहभूम में 6,000 फैक्ट्री है। लगभग कुल मिलाकर बड़े छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं झारखंड में लगभग 55,000 से 60,000 के आसपास है। आप गुना करके देखिए, अगर एक कंपनी में 100 लोगों को भी रखा जाए तो 60,000 कंपनियों में कितने लोगों का जगह बन जाए। लगभग 60,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 6 लाख और 1 जीरो तो सीधे 60 लाख। मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी? 12 लाख। समाधान है कि नहीं? लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास। हम यहाँ आके मिले, हमारे भाइयों ने बताया कि हम ड्राइविंग करते हैं। अरे भाई ठीक है, आप ड्राइविंग करते हैं तो हमारे झारखंड में लगभग 7 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछा है, हमें ड्राइविंग का अवसर झारखंड की सड़कों में दिया जाए। हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर वाला छुरी दे दीजिए, किडनी की जगह खुदा ले निकाल लेंगे। हमने थोड़ी कहा कि हमें इंजीनियर का काम दे दीजिए। हमने थोड़ी कहा हमें जो टैलेंट होगा, यदि हम मैक्सिमम लोग ड्राइविंग ही जानते हैं और हमारी नियति में, हमारी इस जनरेशन को ड्राइविंग ही करना नियति में है तो झारखंड में 7 लाख किलोमीटर तक सड़कें हैं, आप वहाँ उतर दीजिए। कम से कम 200 किलोमीटर का वहाँ दूरी होगा, 2,000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी। आखिर हमारी इस पीड़ा की, हमारी इस वेदना, हमारी इस तकलीफ का अनुभव कौन करेगा? इसलिए आज जितने भी प्रवासी हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो प्रवास का दर्द झेले। मैं मानता हूं और इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं, चूंकि इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे, किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। चूंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूँ, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का सबसे बड़ा धर्म रोटी का होता है, पर वो संबंध नहीं रखता है कि आप किस धर्म की मान्यता रखते हैं, आप किस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक मजदूर का जो धर्म होता है वो रोटी का होता है। मैं मजदूरों के बीच आया हूँ तो मैं रोटी की बात करूंगा, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, ये नियम कानूनों का देश है, ये देश कानूनों से चलता है और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। अतः आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा, क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे, कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। इसलिए लाल किला का मचान यानी राजनीति से है, लाल किला का मचान यानी पॉलिटिक्स से है। आपने लाल किला के मचान पे नजर नहीं रखा, क्योंकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए कि आपने जो राजनीति का मचान कहा जा रहा है इसे लाल मचान कह के संबोधन किया गया है, आपकी नजर वहां नहीं रही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मजदूरों की बात, मजदूरों की पीड़ा राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक में जाना चाहिए, लेकिन वहां तभी जाएगा जब आपके बीच के नेतृत्वकर्ता वहां तक जाएंगे। आप बताइए, अडानी अंबानी के नेतृत्वकर्ता जाएंगे तो हमारी बात रखेंगे?
इसीलिए तो सरकार लेकर आई थी तीन वो कृषि कानून, चूंकि कानून बनने से पहले अडानी साहब का गोदान बन गया था, तो जनता जानती है कि वो कृषि कानून किसके लिए था, चूंकि हमारे लोग वहां नहीं है मेरे साथियों। इसलिए आज जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, किसान वर्ग से संबंधित लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज जिस पीड़ा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिस पीड़ा के कारण आज प्रवास की यात्रा को हमने तय किया है, या प्रवास की यात्रा भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय ना करना पड़े, इसलिए आज हमें लाल किला के मचान में लाल नजर रखनी है। लाल नजर यानी गुस्सा से राइट करे, लाल नजर यानी राइट के। अशोक महतो जी, लाल नजर लाल किला के मचान में लाल नजर बच्चा ठीक ना खुशिदा, लाल नजर, लाल नजर यानी गुस्सा है के। तोनी गुस्सा नहीं कर रहा, बता एक बात बताओ, तोनी भुतुआ ककरा दलहा यहाँ के, तुमने समझ के नहीं दलहा, घरे में दलहा, चाहे बबोदर विधानसभा में दलहा, मांडू विधानसभा में दलहा, गोमिया में दलहाक, डुमरी में दलहाक, टुंडी में दलहाक, गिरिडीह में दलहाक, बरकट्ठा में दलहाक, बरही में दलहाक या कोटरमा में दलहाक, दलहाक किधर? सबसे ज्यादा बुरा मांडू वाले नचिन की, मैं झगड़े पूछ ले विष्णुगढ़ और का झुमरा पहाड़, झुमरा पहाड़। अच्छा ठीक है, तुमने हल्ला नहीं करा, पर हाथे खड़ा कर मांडू से कह के मांडू विधानसभा, अरे मांडू विधानसभा की विष्णुगढ़ ब्लॉक, मांडू ब्लॉक इतना हा, गोमिया झुमरा पहाड़, झुमरा पहाड़ के भी बड़ी हथी, डुमरे की बड़ी हथौन, डुमरे और बगोबर। अब एक बकवास सुना, ठीक है बाकी गिला बीच में पूछ लो भाई। अब एक बात, अरे टुंडी से कहो रे, हम जाना है बड़ी काम होती है टुंडी, चंद्रा चंद्रा साहब कोटरमा कोटरमा माइक माइक हेलो, एक अगर ना माइक ठीक रख पे, राजस्थान का टाइगर आया है, माइक स्थिति
लेकिन एक बात रखना, हम तो रिक्वेस्ट करो, हम आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग नया लीडर हैं, आप लोग बहुत ज्यादा फूल में बर्बाद कर दिए पैसा। नहीं, हम लोग नया लीडर हैं, आपका घर का बच्चा है इतना, आप लोग के दो पैसा है, आप बिल्कुल हमारे पे एकदम खर्चा मत कीजिए। ये फूल आप अपने पास रखिए, 24 में धूल उड़ाएंगे झारखंड में। तुमने की सोचा है कि नहीं टाइगर आले है तो मांस भात खाते की? अरे भाई तुम्हें मार भात दियो, तुम्हें मार भात दियो, भूया में सुनबा है तो नहीं जा सुनते कहीं सुनबा है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है? तो ऐसा कुछ अलग ना सोचियो, आखिर हमने के इतना प्यार मिले तबे नहीं यहाँ तक लिए, ये तबे नहीं लिए तो फिर तोहनी कर हमने पे अधिकार हो, तोहनी के हमें मैक्सिमम जितना था ना छोटे लगे, ऐसा कोनो बात ना है। हाँ तो से बाढ़ ठीक मान ले, ऐसा कोनो विशेष बात ना है, हमने तोहनी जैसा ही है, ठीक है? तो चूंकि आज आप थोड़ा सा चर्चा करवाए, क्योंकि बहुत सारा समय समय में जब प्रवासी मजदूर के सभा व्यवहार तो क्षेत्र के विधायक सांसद यहाँ आवत रहा है ना, जब भी प्रवासी के कोई कार्यक्रम व्यवहार क्षेत्र के विधायक सांसद आवा है। बकायदा आज हमने वहां की बात के सीख लिए कि आज जिस प्रकार दर्द के तकलीफ के साथ एक छोटा सा कमरा में हमने गांव में खुला मैदान खुला आसमान है, लेकिन यह 10x10 के रूप में कैद ही है, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ा त्याग कर लिया। ये बड़ा बड़ा इमारत, ये बड़ा बड़ा शहर, हमने बड़ा बड़ा सपना लेके आ लिए, हम ऐटे काबो अपन सपना के हासिल करिया। कोई भी समस्या आता है, परेशानी आता है, कभी पीछो ना हटिया, कहे की देखा 90 मिनट के फुटबॉल के खेल है, सब खिलाड़ी मैदान में उतरे के खातिर गोल कर भाई, गोल के मैंने लक्ष्मी व्यवहार हवा है ना, 90 मिनट के फुटबॉल के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के ध्यान रहा है कि हम गोल करवाए, तो हमने मोटा मोटी 90 मिनट कर पाए, लगभग 20 साल महाराष्ट्र में बिठवा लिए अपन गोल के पूरा करके जीना। गोल से नए भटक गया, गोल से नए भटक गया, हम ऐसे विनती कर गो, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से यहाँ रहा ना, तो अपन गोल जिस गोल के सोच के आये हा उस गोल के पूरा करिया। यहाँ आज बात बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारा कल छोटा छोटा कहीं सब मिल गया, हम लोग भाई सब अपनी यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा हो, बहुत खुशी की बात है। तोहनी जैसने अवस्था में हा इतना अच्छा लग रहा है कि तोहनी मजदूर है के भी शिक्षा के सोचला, तोहनी मजदूर है के भी पढ़ाई के सोचला, तोहनी मजदूर है के भी विनोद बाबू के नारा के झारखंड से के महाराष्ट्र में स्थापित कर ला कि पढ़ो और लड़ो। बड़ा खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि तोहनी मजदूर भाई के भी रोटी से पहले पढ़ाई के सोचला, बहुत बढ़िया बात लग रहा है। और जितना भी दीदी सब है, मौसी मामी काकी फुफैया था, तोहनी से रिक्वेस्ट करो, तोहनी 3 साल में 2 साल खाई जरूरत पड़ता है तो 9 लाख का हार